देखो किसी को कोई प्रॉब्लम, कल को हमारे देश के भविष्य है, नागरिक तो एक बात है, अब उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, जो इसके शिकायत के संदर्भ में हो, जो कुछ भी आपको यहाँ पे ऐसा लग रहा होगा, मांग थी कि उन्हें सस्पेंड कर दिया जाए। आशा पे ही सब कुछ है, उम्मीद पे पूरा जीवन चलता है। मुझे लगता है, मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों ने श्रद्धांजलि जैसी चीज करी। ऐसा है, देखिए हम जो भी है, क्योंकि हमारे साथ 2011 में भी एक बार धोखा हो चुका है, जब बच्चों ने हड़ताल की थी, इसलिए अभी हम संतुष्ट उस व्यक्ति की बात से होंगे जो हमें हर बात एविडेंस के साथ कहेगी। दिनेश जी, आपने आरोप लगाया कि आपके प्रिंसिपल या डायरेक्टर आपकी बात शिकायत नहीं सुनती, लगा आपके परिजन अपने जो फैमिली के टच में भी रहते हैं तो अपने शिकायत वहाँ तक नहीं पहुँची, तो क्या आपके परिजन कभी निकल के नहीं आए ऐसे सामने अपनी शिकायत दिखी होती? ऐसा होता है कि हम जो कुछ लोग ऐसे विचार रखते हैं कि क्योंकि अब हम खुद इतने बड़े हो चुके हैं कि हमें जिम्मेदारियों को समझना चाहिए, कुछ लोग के पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं उन्हें, कुछ लोगों के नहीं कर पाते। ऐसा हो सकता है कि अगर कोई लड़की है तो कि कोई नहीं चाहता कि उनकी उसकी लड़की हाईलाइटेड हो, और ऐसा हो सकता है कि सभी को जो पेरेंट्स हमें अभी भी बच्चा समझते हैं और सबके मन में ये चलता है कि कहीं हमारे बच्चे को गलत कुछ फंसाया ना जाए। हमारे जो सिस्टम्स हमने डेवलप किए थे सब चीज़ों की अच्छी तरह से व्यवस्था चलने के, और सीनियर क्लास वन ऑफिसर्स को एक एक व्यवस्था का सुपरवाइज़र बनाया था, मुझे उनके जरिए से अगर प्रॉब्लम्स थी तो मेरे तक पहुँचनी चाहिए थी। मेरे क्योंकि डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में भी 100-150 ब्लाइंड हैं, वहाँ पर भी टीचिंग डिपार्टमेंट है, वहाँ पर भी 100 के करीब टीचर जो ट्रेनिंग करने आते हैं वो भी रहते हैं, फिर हमारे अन्य बड़े बड़े नेशनल लेवल के डिपार्टमेंट्स हैं, तो हर डिपार्टमेंट की एक एक कमरे की सफाई चेक करना मेरे लिए तो शायद फिजिकली संभव नहीं है, लेकिन मैंने एक क्लास वन ऑफिसर सफाई इंचार्ज बनाए हैं, उनके नीचे सफाई सुपरवाइज़र है, उसके बाद में सफाई कर्मी काम करते हैं। अगर हमें किसी डिपार्टमेंट से, जैसे ये मेरे पास बैठी है लक्ष्मी पोखरियाल मैडम, ये टीसी वोकेशनल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट की सुपरवाइज़र है, अगर इनके डिपार्टमेंट में सफाई वाले कोई ठीक से काम नहीं करते तो वो हमें लिख कर भेजती हैं तो कि ये कर्मी आप ये मेरे पास जिस डिपार्टमेंट से आता है मैं उसी वक्त एक्शन लेती हूँ, लेकिन ये हॉस्टल से मुझे नहीं आया। और इनके जो सफाई के इंचार्ज हैं वो सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर रैंक के ऑफिसर हैं, उन्होंने मुझे जो कंप्लेंट दी मैंने तुरंत उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई की।